ऐसा पत्थर कभी देखे हो आप? हम लोग को रेस्क्यू कर लिया गया इस आइलैंड से। आइलैंड पे जाने से सिर्फ सी फूड मिलता है, तो इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। महल हिंदी में बिग हाउस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कपल चैप्टर। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ही लिया हम लोग का बैंगलोर से कोची का सफर और कोची से लक्षद्वीप का सफर। आज हम लोग कवर करेंगे कालपेनिया आइलैंड और बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह करने को है, बहुत ही मजा आने वाला। चलो एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग लक्षद्वीप। आज लक्षद्वीप में हमारा दूसरा दिन। आज अभी हम लोग जा रहे हैं कालपेनिया आइलैंड। हम लोग को अभी सुबह सुबह 7:30 बजे ही बोल दिया गया था ब्रेकफास्ट होकर के रेडी रहने के लिए। हम लोग पहुंच गए कालपेनिया आइलैंड। आइलैंड कोकोनट वाटर पियेंगे और यहाँ पुराना हिंदी गाना बज रहा है, तो इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ये बीच बहुत पसंद है हमको, जो बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। बहुत सारे क्रैब्स, देखो ये आइलैंड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कल वाले से अच्छा है ना? दो छोटे आइलैंड एक इधर भी है। भी बोट से सबको वो आइलैंड ले जा रहा है, वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगा। स्नॉर्कलिंग करके हम लोग अभी जस्ट आए हैं। पानी से इतना डर लगता है और पानी के अंदर जाना बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। फ्लोट कर रहे थे हम लोग। स्टार्टिंग में तो ब्रीथ का प्रॉब्लम हो रहा था, बट एक बार जब अच्छे से आइडिया हो गया कैसे करना है तो हम लोग पूरा एकदम। और बहुत देर हुआ, स्टार्टिंग में जो लोग आए थे वो लोग बोले थे 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं हो, और हम लोग आधा घंटा किए। और हम लोग के जो गाइड थे वो बहुत अच्छे थे भैया। हम लोग अच्छे से पूरा एकदम अंदर ले गए, एकदम दूर ले गए। कितनी बार तो हम लोग का स्लीपर गुम हो गया, तो स्लीपर लाके हम लोग को देखे। इतना बार खुला है ना मेरा, ये जगह फंस भी गया था पत्थर में, वो भी निकाल के दिए। हम लोग का बोट एक आएगा, उससे हम लोग जाएंगे वापस से फर्स्ट आइलैंड में। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग को लंच करेगा। लाइट जगह फेंको ना, हो गया काम। फाइनली कालपेनिया आइलैंड में जाके हमको पनीर मिला, शिप में तो नहीं मिला है, पूरा प्रोटीन राजमा भी है। यहाँ पे वेज का और नॉन वेज का खाना सेपरेट होता है, बहुत सारा डिश है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वेजिटेरियन को यहाँ पे आके। बहुत लोग बोलते हैं ना आइलैंड पे जाने से सिर्फ सी फूड मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाह है। Yeah.
यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आप लोग जो बोलते हैं लैंग्वेज जसरी, वहाँ भी जसरी था ना आगाती में। यहाँ पे कॉलेज वगैरह है जो प्लस टू तक है, आंध्रो एंड कावरत्ती और डिग्री को, और उसके बाद अगर पढ़ना हो तो केरला में। और यहाँ पे मूवी थिएटर वगैरह है सब, थिएटर नहीं थिएटर नहीं है, इसे देखते हैं फिर आप लोग मूवी मोबाइल पे और टीवी। तो अगर मान ले मूवी देखना हो जाके तो केरला में से केरला जाना पड़ेगा। बापरे, और यहाँ पे बिजली कैसे आती है? तो डीजल जनरेटर और पानी सी वाटर प्यूरिफाइड। अच्छा, सी वाटर को प्यूरिफाई करके मिनिको आइलैंड का सेपरेट लैंग्वेज। अच्छा, मिनिको महल मिनिको आइलैंड में महल लैंग्वेज है। महल पता है क्या होता है? महल हिंदी मीन्स बिग हाउस, किंग पैलेस। और इंटरनेट वगैरह कैसा है यहाँ पे? ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन वो सब जस्ट स्टार्टेड, स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, नहीं वो जस्ट वर्किंग है। अच्छा, वर्किंग है, फाइबर कनेक्शन तब इंटरनेट आएगा। अच्छा, मतलब अभी फिलहाल नहीं है इंटरनेट कनेक्शन, तो 3G BSNL टावर में। अच्छा, BSNL में। समोसा कम फ्राइड मोमो ज़्यादा लग रहा है, बट टेस्टी है। अलग टेस्ट है, नेचुरल मीठा है ना, गुड़ से बना है। गुड़ नाम क्या? वो कुछ लोकल नहीं है, वो कुछ। हम लोग अभी आए हैं बनियान फैक्ट्री, नहीं सरकारी बनियान उद्योग। हम लोग यहाँ पे 3 T-shirt लेके जा रहे हैं घर के 3 मर्द के लिए। आप अगर आते हैं लक्षद्वीप तो यहाँ से 3 shirt ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलता है, थोक उठा लेके वहाँ बेचेंगे बेंगलोर में 50-50। हम लोग अभी आए हैं एक बहुत ही सुंदर आइलैंड में और यहाँ पे सभी इंजॉय कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं मस्त। मधु किधर है? मधु तुम क्या कर रही हो? मधु पत्थर चुन बोल दी ना तुम, काली मलस आई हो। कितना सुंदर पत्थर, देखो आप डिजाइन देखो, ऐसा पत्थर कभी देखे हो आप? अरे पत्थर है तो तुम करोगे क्या, इतना पत्थर ले जा रही हो? सुंदर है ये, हम लेके ठीक है सुंदर, तुम करोगे क्या बताओ? हम सबको बांटेंगे। किसको बांटोगे तुम? कौन तुमसे पत्थर लेगा? लेगा नहीं, हम देंगे। बबीता मालदीव घूम के आई है, उसको महंगा पत्थर चाहिए। पत्थर नहीं होता है, एक बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आइलैंड है वहाँ पे चेंजिंग रूम बना हुआ है, तो आराम से यहाँ चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग को रेस्क्यू कर लिया गया इस आइलैंड से, अभी इतने लोग बचे नहीं मिले, केक तो ऐसे ही आ जाए ना। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, स्नॉर्कलिंग करके तो मजा आ गया है। आज शाम में अराउंड 6 बजे हम लोग वापस से सिप पे आ गए थे, अभी डिनर वगैरह भी हो चुका है, अब हम लोग जा रहे सोने के लिए। काफी थक गए हैं, पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, पेन किलर खाना पड़ रहा है, ऐसा दर्द है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। हम लोग 2G में चल रहा है, आप लोग तो 4-5G में चल रहा है। बर्बाद हो गए हम लोग, कल से क्या करेंगे? नहीं दिखना प्यार। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।